पंजाब में गन्ना उत्पादक एक नई विधि से गन्ने की खेती करने लगे हैं। परंपरागत तरीके से दो लाइनों का फर्क 24 से 29 इंच का होता है, जबकि इस विधि में 5 फीट का रो टू रो का फासला रखा गया है। माहिरों का मानना है कि इसे गन्ने में सिंचाई के लिए उपयोग होने वाले पानी में 30 से 35 फीसदी पानी की बचत होगी और एक गन्ने का भार 1 किलो से लेकर 1.25 किलो तक होगा। आइए जानते हैं क्या कहना है माहिरों का। गन्ने की खेती नू काफ़ी सख्त खेती मनाया जाता है, तो लगभग 1 साल की एक खेती होंगी है। साल के विच दो वारी बीजन वाली इस फसल नू किस तरह संभालना, नवी तकनीक जिहड़ियां ने आ गई ने। हुण तुसीं पिछे इसे वीडियो दे विच देखिया कि किस तरह जिहड़ा ट्रैक्टर हैगे ने 25 हॉर्स पावर तो लैके 35 हॉर्स पावर दे ट्रैक्टर वरते जा रहे ने इस कमाद नू सांभ संभाल दे लई। कमाद दा कद किन्ना है, असी GM केन्स प्रताप सिंह साडे नाल ने। प्रताप सिंह जी, कितना हाइट है इसकी इस वक्त और कितने समय का ये क्रॉप है, क्या एज है इसकी? सर, ये 4.5 महीने की क्रॉप है। ये 3 मार्च में हमने लगाई थी, 4.5 महीने की क्रॉप है जी। और इसकी हाइट अभी 10 फीट है जी, ऑलमोस्ट 10 फीट के आसपास, 9.5-10 फीट तक है। ये 14-15 फीट तक क्रॉप जाएगी जी। और यील्ड कितनी होगी? यील्ड इसकी 600 कुंटल पर एकड़ से ऊपर आनी है जी। आप खुद ही क्रॉप को देख कर अभी भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 महीने के अंदर आप इस क्रॉप की पोजीशन देखिए, और अभी आने वाले और जो ये 5-6 महीने और रहेगी, तो ये करीब करीब मैं मानता हूँ कि 650 कुंटल तक के आसपास। ये ट्रेडिशनल केन स्विंग से ये कैसे डिफरेंट है? मैं देख रहा हूँ कि कोई 5.5 फीट का जो रो टू रो डिस्टेंस है, तो कितना डिफरेंट इसको आप स्विंग जो है खुद ने एक्सपेरिमेंट किया, और भी कोई आपके कंपटीटर 5.5 फीट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या आपने खुद शुरू किया? नहीं, हमने शुरू करा है, और इसका एक रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है क्यों इसकी यील्ड ज़्यादा निकलेगी। हम ये आपके सामने जो ट्रेडिशनल प्लॉट लगा है फार्मर्स का, ये आपके सामने खड़ा है जी। होता क्या है कि हम सीड ज़्यादा डालते हैं, और सीड ज़्यादा डालने से नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा हो गए खेत के अंदर, उतने प्लांट हमको नहीं चाहिए जी। उससे क्या होगा कि हमारा गन्ना पतला निकलेगा। इसमें हमने जो स्पेस दिया है, आप देख रहे हैं 5 फीट का जो स्पेस है जी, इससे क्या होगा कि एक तो हमारी सीड रेट आधी रह गई, उसमें 30 कुंटल का हमने जो है सीड डाला, और इसमें 12 से 15 कुंटल का सीड आपका डलेगा। अब जब इसके पास आपने स्पेस दे दिया, तो इसमें सूरज की किरणें नीचे तक आएंगी, और ये जो पत्ती आप देख रहे हैं ना जी जी, इन पत्तियों पे ये सूरज की किरणें पड़ रही हैं, ये सारी पत्ती फोटोसिंथेसिस कर रही हैं सूरज के साथ जी। और जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ये अपना काम कर रही है, अपना भोजन बना रही है जी। ये भोजन इस तने को जा रहा है, और ये तना मोटा हो जाएगा। हमको गन्नों की संख्या 1 एकड़ में 40,000 चाहिए, और वो 40,000 गन्ने हमारे अगर 1 किलो के होते हैं पर गन्ना, तो 400 कुंटल, अगर 1.5 किलो के होते हैं तो 600 कुंटल जी। उसमें आपका गन्ना कोई 0.5 किलो का होगा, कोई 0.25 किलो का होगा, कोई 200 ग्राम का होगा, कोई 250 ग्राम का होगा। यहाँ चूंकि बराबर आपकी सारी पत्तियाँ काम कर रही हैं, और गन्ने आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्मली ऑलमोस्ट सारे गन्ने आपको एक तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये रीज़न है कि ज़्यादा पैदावार जी। क्या क्या प्रोसेस है आपका इसमें? प्रोसेस इसमें हमने पहले सबसे पहले चिजलर चलाया जी। चिजलर चलाने के बाद हमने MB प्लाव चलाया जी, जमीन को पलट दिया। पलटने से जो इसके अंदर एरेशन हुआ, जिसकी बात जी फार्मर सभी करते हैं जी, वो एरेशन होने से इसकी जड़ों को और इस मतलब नीचे तक इसको वायु और जल दोनों चले गए, पानी भी चला गया और ऑक्सीजन भी चली गई, तो रूट्स अपना काम पूरा कर रही हैं जी। चिजलर और MB प्लाव चलाने की वजह से इतना जी। फिर हमने खेत की प्रिपरेशन करी, हमने इसमें जो है हैरो टिलर करके, और हमने फिर अपने ट्रेंचर से ट्रेंच निकाले 5 फीट 2 इंच जी टोटल। उसके बाद हमने गन्ना इसमें बीज दिया, बीजने के बाद मिट्टी कम चढ़ानी है, बहुत ही कम मिट्टी, 1 से 1.5 इंच मिट्टी जी। ज़्यादा मिट्टी हम चलाएंगे चढ़ा देंगे तो जर्मिनेशन कम हो जाएगा, मिट्टी कम जितनी चढ़ेगी उतना ज़्यादा जर्मिनेशन मिलेगा। और सीड हमने जो है इसमें 12 से 15 कुंटल पर किसानों को क्या सपोर्ट दे रहे हैं? आपने किसानों को ही भिजवाया इस तरह से क्या? हाँ, खुद बीजा 132 एकड़ तो टिशू कल्चर का हमने लगाया है, टोटल 2200 एकड़ हमने फार्मर्स के यहाँ लगाया। उस पर हमने हमारे जितने चिजलर हैं, जितना MB प्लाव है, वो सारा कंपनी की तरफ से करा के दिया, उससे खाली डीजल चार्ज करा, बाकी कोई पैसा फार्मर से नहीं लिया गया। एक जितने एग्रो इनपुट हैं उन सब पे हम सब्सिडाइज रेट पे हमने एग्रो इनपुट दिए हैं,
जैसे हमारा पोटास है, डीएपी है, वो सारा 50% रेट पे जो ट्रेंच पे लगाएगा, ये ट्रेंच बोलते हैं इसको, तो ट्रेंच पे लगाएगा तो वो है। बाकी सारी जितनी अपनी क्लोरोपाइरीफास है, कोरोजन है, जो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, उन सब पे 12-25% तक सब्सिडी दी है फार्मर्स। सो किसानों, तुसीं भरावां नूं मैं कहता कि तुसीं सारी गलबात सुनी, ये तुहानूं गलबात किस तरह लगी तुसीं सानूं कमेंट करके दस सकते हो, अपने विचार दे सकते हो, तो नाल दी नाल यूट्यूब चैनल ते फेसबुक पेज सबसक्राइब भी करो। सो रेडियो पंजाब टुडे हमेशा तुहानूं इस तरह दीआं जानकारियां मुहैया करवाउंदा रहेगा, खेती नाल संबंधित होर भी जानकारियां तुहानूं दिंदे रहांगे।